जब से बिग बॉस OTT सीजन 2 में फैमिली वीक हुआ है, तब से मनीषा रानी के फैंस लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं। मैसेज इस बात पर कि एल्विश यादव के पिता ने मनीषा रानी को फूहड़ कह दिया। मनीषा रानी के फैंस इस बात से उदास हैं कि एल्विश के पिता ने मनीषा को स्लट या अश्लील कहा है। जी हाँ, गूगल पर अगर आप फूहड़ का अर्थ सर्च करेंगे तो उसका मतलब अश्लील या फिर स्लट दिखाई देगा। लेकिन आप लोगों को समझा दें कि आप लोग गलत समझ रहे हैं। हाँ, एल्विश के पिता अपने तरीके से मनीषा को समझा कर गए हैं। हाँ, उन्होंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, उन्होंने मनीषा को डीमोटिवेट किया, लेकिन उन्होंने मनीषा को ना तो अश्लील कहा है ना ही स्लट। हरियाणा में फूहड़ कहा जाता है बेढंगे इंसान को, जिसे कोई काम करने का ढंग ना आता हो। यही वजह है कि जब एल्विश के पिता कॉफी पी रहे थे और उन्होंने पूछा कि कॉफी किसने बनाई है, तो मनीषा ने कहा कि मैंने, तो एल्विश के पिता ने कहा लग नहीं रहा। यानी एल्विश के पिता मनीषा को बेढंगा मानते हैं। फूहड़ का अर्थ है जिसे कोई काम करने का ढंग ना हो, केयरलेस। वहीं जो लोग ये स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं, हमें मैसेजेस कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। अलग अलग बोली में अलग अलग शब्द अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए आप लोग गलत मत समझिए। एल्विश के पिता ने मनीषा को बेढंगा कहा है, अश्लील या फिर स्लट नहीं। एल्विश के पिता को तो मनीषा रानी पसंद है, वो बस मनीषा को ये समझाना चाहते थे कि मनीषा अभिषेक के साथ ज्यादा बेहतर लगती है, एल्विश के साथ नहीं। ये बात वो साफ साफ कह नहीं पाए, इसीलिए उन्हें जैसे समझ में आया उन्होंने मनीषा को एल्विश से दूर रहने का इशारा दिया। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।